अस्सलाम वालेकुम मादिकुद्दीन यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदेद कहती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व बारिक सल्लम। आज मादिकुद्दीन में मैं आपको ठंडाई या सरदाई जो भी कह लें वो बनाना बता रही हूँ। इससे ये ड्राई कुछ मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, ये मैंने कुछ तकरीबन मैंने कोई 20-25 के करीब ये बादाम ले लिए हैं, साथ में मैंने 2 टेबलस्पून मैंने चारे मगज लिए हैं, साथ में 2 टेबलस्पून मैंने खशखश लिया यानी पोपी सीन, और ये मैंने क्या लिया, ये मैंने आधी चम्मच सौंफ की 3 मैंने काली मिर्चें और 3 जो है ना इलायचियां ले ली हैं। इन सबको मैंने 3-4 घंटे पहले पानी में अच्छी तरह से भिगो लिया। आप या तो इसे चीनी के बर्तन में भिगोएं या शीशे के बर्तन में, अगर मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं बादामों के मैंने छिलके उतारनी है, अब इनका पानी मैं डिस्कार करके इनको मैं पहले अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूंगी, फिर इसमें और क्या क्या जाएगा मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजों को काफी देर 10 मिनट तक ब्लेंड किया ताकि बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए। उसके बाद मीठा करने के लिए या तो आप शक्कर ले लें, चीनी ले लें, या फिर आप वो जो मिश्री होती है वो ले लें, हेल्दी कोई चीज आपने लेनी है। मैं इस वक्त रूह अफ़ज़ा शरबत ले रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऐड कर दूंगी, अच्छी तरह साफ कर लें। तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त हमारी इफ्तारी के हवाले से सरदाई भी इसको कहते हैं, ठंडाई भी कहते हैं, ये तैयार हो जाएगी। ठंडाई सरदाई से मुराद है कि अंदर ठंड पड़ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी ठंडाई जबरदस्त किस्म तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैंने पिस्ता छोड़ लिया हुआ, इसको मैंने बारीक बारीक इसकी कटिंग कर ली है, इसके साथ मैं इसकी गार्निश कर दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह से आप इसे बनाइएगा और अपने परवरदिगार आलम का शुक्र अदा कीजिएगा, उसने हमें क्या क्या नेमतों से नवाजा है, उसका जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अपनी जबानों को उस पाक जात के जिक्र से तर रखा करें, ये बहुत ही प्यारा माह मुबारक रमजान है, तो इसमें आगे पीछे भी इसमें खास तौर पे कसरत करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम की कसरत करें। इंशाल्लाह ताला हमारी जिंदगी में बहारें ही बहारें आ जाएंगी। और आपने क्या करना है, और अगर आपने हमारे चैनल मादिकुद्दीन को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, शेयर करें, कमेंट दें, लाइक करें। इंशाल्लाह ताला आपके पास पास इसी तरह की अच्छी अच्छी ऑथेंटिक वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।